दरअसल अंजुम का जब मुझे फ़ोन आया कि सिनेस्टार ये करना चाह रहा है, एक स्क्रीन राइटिंग कॉम्पिटिशन रखना चाह रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है और यकीनन बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में कहानियां हैं जो कहना चाहते हैं, मौका नहीं मिलता। तो ये एक अच्छा तरीका है जिसमें कि देश भर से लोग अप्लाई कर सकते हैं, अपनी अपनी कहानियाँ भेज सकते हैं। और मुझे लगता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री को भी इसकी सख्त ज़रूरत है। हमें फ्रेश राइटर्स चाहिए, अलग अलग ख्याल चाहिए लोगों के। तो आई थिंक जूही मुझे और राजू जी को जब इनवाइट किया अंजुम जी ने, तो हम तीनों को भी ये लगा कि ये एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट है और हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए हम लोग तीनों आगे आए हैं अंजुम जी के साथ, उनका साथ देने। और ये बहुत ही अच्छा एक एफर्ट है जिसमें कि लोगों को मौका मिलता है कि वो अपनी कहानियाँ लिख सकें, बता सकें, और इंडस्ट्री को एक नए राइटर्स मिल सकते हैं। सो इट्स अ वंडरफुल एफर्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सपोर्ट दिस एफर्ट। Recently, Kabir Khan also said something like this, where he mentioned how there's a dearth of original scripts in the industry, and how perhaps the industry didn't really nurture good writers. Yeah. Where did we go wrong in that sense? Oh, I don't know. If you go back into history, I don't know. Actually, even traditionally, a lot of production houses used to have writers' rooms, and they used to have writers on their payrolls at one time. I remember my uncle telling me that, you know, a lot of production houses used to have a number of writers writing for them. But somewhere down the line, I don't know where that kind of fizzled out. I think money became more important than content. The content. As such. And people became, you know, comfortable that these kind of films are doing well. So let's just, you know, formula what we call. Because 50s or 60s mein to alag alag kahaniyan banti thi. Wo 70s mein. 90s tak aate aate kahin thoda sa. I would say late 80s. The change started from QSQT. इट इज़। तो एक तो ये एंडेवर है टू इनकरेज पीपल टू कम आउट एंड राइट, एंड वी शुड नॉट स्टॉप हियर। इंडस्ट्री में हमें राइटर्स को एज प्रोड्यूसर्स वी शुड बी पेइंग देम मच मोर एंड सफिशेंटली इनफ सो दैट अ पर्सन कैन यू नो लीड अ वंडरफुल कंफर्टेबल लाइफ जस्ट ऑन राइटिंग। कि लेखक होने के नाते मैं अच्छा कमाऊँ। और एक्चुअली हम जब फिल्म करते हैं, मैं क्यों फिल्म साइन करता हूँ? कहानी के बेसिस पे तो मैं फिल्म साइन करता हूँ जब स्क्रिप्ट अच्छी होती है। तो एक्चुअली राइटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई फील एस्पेक्ट। वहाँ से तो हर चीज़ शुरू होती है। द ओरिजिन इज़ द राइटर। राइटर अच्छी कहानी लिखता है तो हम सब जुड़ते हैं उसमें। सो इन दैट सेंस द राइटर इज़ एक्चुअली यू नो फंडामेंटल पर्सन इन दिस होल प्रोसेस। नो डाउट इट इज़ अ डायरेक्टर्स मीडियम बिकॉज द डायरेक्टर बिकम्स द नरेटर ऑफ द स्टोरी। But the writer is the one who originates it. And yes, it's teamwork. उसमें actors भी आते हैं, technicians भी आते हैं, लेकिन ये सारी शुरुआत जो है लेखक से होती है। तो उसको एक special अहदा मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। And the monetary compensation
फॉर अ राइटर शुड डेफिनेटली बी हायर इन द इंडस्ट्रीज व्हाट आई फील. एंड उस पर हम लोगों ने काफ़ी चर्चा भी की है अंजुम के साथ, एंड वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ मॉडल ऑल्सो फॉर दैट. ओके आमिर सर, जैसे कि आपने कहा राइटर को एक प्रॉपर अमाउंट मिलना चाहिए, उतना ही ऑर्डर मिलना चाहिए. रिसेंटली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें राजू जी ने भी कहा कि ये सब और उसके अलावा रॉयल्टी भी मिलना चाहिए राइटर्स को, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, एक्चुअली वो हर डील पे थोड़ा फ़र्क हो सकता है उसमें. सम राइटर्स मे वॉन्ट टू यू नो चार्ज अ हायर अमाउंट अप फ्रंट, सम चार्जर्स मे राइटर्स मे प्रिफर टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स एंड यू नो बी अ पार्ट ऑफ रॉयल्टी. बट यकीनन अगर राइटर को रॉयल्टी चाहिए उसको 101% मिलनी चाहिए. ओके आज ग्रैंड फिनाले में तो क्या, व्हाट आर द की एलिमेंट्स यू लुक इन द स्क्रिप्ट राइटर? समबडी विद एन इमेजिनेशन, कोई अलग कहानी अलग सिनेरियो हमारे सामने आए, किरदार अच्छे लिखे गए हों, प्रेमाइस क्लियर हो, गोल क्लियर हो, और वो पूरी जर्नी जो है कहानी की वो ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनिंग एंगेजिंग हो, दैट्स व्हाट वी लुक फॉर इन अ गुड स्क्रिप्ट आई गेस. प्लॉट पॉइंट्स हाँ एक्चुअली द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट दिस कॉम्पिटिशन इज के इसमें जब राइटर जो भी जीतेंगे उनको कैश प्राइज मिलेगा, लेकिन वो जो उनका कॉपीराइट है उस कहानी पे वो ना सिनिस्तान का है ना हमारा है ना किसी का है, वो उसी के पास रहेगा और वो जिसको चाहे देना चाहे वो दे सकता है. सो दैट इज़ वन ऑफ द गुड थिंग्स आई थिंक अबाउट दिस कॉम्पिटिशन. तो राइटर को पूरी फ्रीडम है और आज़ादी है कि उसको प्राइज तो मिल गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कहानी अब किसी की हो गई है, कहानी उसी की है और वो जिसको चाहे दे सकता है. Always the script. Always the script. In the beginning, very very beginning of my career, after QSQT released, I was looking at only the script. Then I learned that I have to look at the script, the director, and the producer. Because if these three things are not in place, even a good script can go haywire. A good script needs a good director, and a good director needs a good producer, who provides the team with the resources that the film needs. Otherwise, it won't be made properly, and to give it a good release. So, for me, very early in my career, I learned that script, director, and producer, these three things are of prime importance to me. I would like to say that I take full responsibility for Thugs not working with the audience. I think we went wrong, but I would like to take full responsibility for that. You can be sure that we tried our level best. Humne koshish puri ki, koshish mein koi bhi kasar nahi chhodi humne, lekin kahin na kahin hum galat gaye. कुछ लोग हैं जिनको फिल्म पसंद आई है और उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और हमें खुशी है कि कुछ लोगों को पसंद आई है, लेकिन वो बहुत माइनॉरिटी में. ज़्यादातर लोगों को फिल्म पसंद नहीं आई हमारी और इस बात का हमें एहसास है. तो यकीनन कहीं ना कहीं हम गलत गए और मैं उस बात की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ. और जो ऑडियंस इतने एक्सपेक्टेशन से आई है मेरी फिल्म देखने के लिए, मैं उनको आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू देम ऑल्सो कि इस दफ़ा मैं उनको वो एंटरटेन नहीं कर पाया. कोशिश हमने पूरी की थी, लेकिन जो लोग इतने एक्सपेक्टेशन से आए उनको मज़ा नहीं आया. तो आई एम फीलिंग वेरी बैड दैट वी वर नॉट एबल टू एंटरटेन देम. एक्चुअली मैं अगली फिल्म क्या कर रहा हूँ वो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है, जैसे ही मैं डिसाइड करूँगा मैं बताऊँगा आपको. जब भी फिल्म फ्लॉप होती है तो एक एक्टर के लिए बहुत आसान होता है उसे कोप अप करना, तो किस तरह से आपने कोप अप किया जो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जब वो ही करने की कोशिश कर रहा हूँ. Did you have any kind of inclination?
यार ये सारी चीज़ें मैं आई एम नॉट कम्फर्टेबल कि मैं पब्लिकली बोलूँ, क्योंकि मैं अपनी फिल्मों के बहुत नज़दीक होता हूँ, और जैसे हमारे हमारे लिए बच्चा होता है ना, वैसे मेरी फिल्में होती हैं, तो वो नाकामयाब भी होना वो मेरे ही हैं, मेरे ही बच्चे हैं. Well, I think that an audience is free to, you know, say what they want to say about a film. They are free to say what they want to say about the film. What I can say is that we certainly tried our level best, and I'm feeling very bad that we didn't succeed in entertaining the audience. Next time we'll try harder. Are there rumors that with Thugs you are concentrating on, you're focusing on the Chinese market now? Is that true? The China release will be happening next month, so certainly. Let's hope and see what happens then. Amit, what do you think? What went wrong? Like, people are saying direction was not nice. Again, I won't want to discuss that publicly. Amit ji, क्योंकि बच्चों के ऊपर हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में फिल्में बहुत ही कम बन रही हैं. जी. आपकी एक फिल्म है कि तारे जमीन पर. जी. लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट की. जी जी. आज ही हमने एक पिक्चर देखी आप एंड आजाद. हाँ, आजाद की बर्थडे थी. अरे बहुत बड़े. और वो एक्चुअली एस्ट्रिक्स के बहुत बड़े फैन हैं. तो हम लोग ने उनके कुछ दोस्त आज़ाद के 8-10 दोस्त और उनके पेरेंट्स, हम लोग सब पंच के नहीं गए थे. तो वो इट वॉज एन ऑब्लेक्स एंड एस्ट्रिक्स पार्टी. तो मैं ऑफ कोर्स ऑब्लेक्स बना एंड आज़ाद वाज एस्ट्रिक्स. डिड यू सी द फोटो? एंड किरण वाज गेट अ फिक्स द ड्रूड. और वो बकायदा पूरा वो मैजिक पोशन भी बनाया गया और लाइन में जैसे खड़े होते हैं और मुझे रिफ्यूज़ किया गया, नो यू कैन नॉट गेट मैजिक पोशन. नहीं, यकीनन बच्चों, एक्चुअली बच्चों के लिए हमको और ज़्यादा फिल्में बनानी चाहिए. मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में हम लोग कम फिल्में बनाते हैं बच्चों के लिए, लिहाजा बच्चे बहुत सारी फिल्में देखते हैं. बट आई विश वी मेड मोर फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन. यू एब्सोल्युटली राइट, यू एब्सोल्युटली राइट. Inspiration is what moves you profoundly and which raises questions in your mind. So it either comes from reality or it comes from imagination. Reality could mean that you've been through the experience, somebody told you about it, or there was a memory which kicked in. Imagination is, of course, when you keep asking yourself, what if, etc. And that, if that question really stays with you and refuses to leave you, then the whole script process is to pursue that question, is to try seeking answers emotionally. What is likely to happen, and that's how the story unfolds. I don't know how. Yeah, no, no, pretty much that. Yeah. Amit sir, आपने कुछ लिखा है जो बनाना चाह रहे हैं कभी? क्योंकि अभी तो वक्त नहीं मिलता होगा, लेकिन एक टाइम. मैंने अपने करियर में थोड़ी बहुत लिखाई की है. कयामत से कयामत तक, जो जीता वही सिकंदर, हमें राय प्यार के. अकेले मैंने नहीं लिखा है, जैसे रॉबिन भट्ट जी के साथ मैंने हमें राय प्यार के में काम किया था, मंसूर नुजत और चचरान के साथ हमने जो जीता. और तो इस लेवल पे मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, लेकिन अकेले मैंने कोई कहानी नहीं लिखी है. डर लगता है मुझे बहुत. राइटिंग इज अ वेरी लोनली जॉब. आई डोंट नो हाउ यू विल डू इट. हो सकता है कभी मैं लिखूं, आई डोंट नो. बट थोड़ा बहुत मैं काम करता हूँ. गुलाम पे भी हमने काफ़ी बहुत काम किया था. आई मीन अंजुम की पहली फिल्म थी वो एज अ राइटर. बट आई हैव नॉट फुल्ली रिटन इट माय सेल्फ एनी स्क्रिप्ट, नॉट सो फार. एंड ऑन व्हाट पैरामीटर डू यू जज अ स्क्रिप्ट? For me, it is something that, you know, at the first thing I look for is that as an audience, because it's like, at that time I'm an audience watching a film. So does it excite me? Does it engage me? Does it, you know, suck me in? Does it? So first I go only purely by my emotional response to the script. Once something excites me, then I start looking for the technical side of it. But that comes later. I just want to make sure, okay, does it have a clear premise? Can we improve on the clarity of the premise? Does it have a clear goal? Is the goal set early enough? Are the characters developed well? Are the subplots, you know, interesting? Are any of the subplots not being closed and wound up before the main plot is over? So these are the few technical things that I look at, but that comes much later. Firstly, it is my, you know, gut reaction to a script is what I go with. Amir, ek sawal hai ki
बहुत सारे एक्टर्स इन दिनों अपनी बायोग्राफीज ऑटोबायोग्राफीज ला रहे हैं, आपकी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं, एज एन एक्टर बहुत स्ट्रगल रहा है जी, हालांकि आपने ज्यादा पढ़ाई नहीं की और उस दौरान के बारे में आपने काफी बात की है जी, तो कभी ऐसा होगा कि आप अपनी मेमोर लिखें ऐसा कुछ? हाँ, मैं मुझे कई लोगों ने कहा भी है लिखने के लिए, और कभी कभी मुझे लगता है हाँ कि लिखना चाहिए, लेकिन मुझे फिर थोड़ा घबराहट होती है, क्योंकि मैं जब लिखूंगा और जो मैं बोलूंगा वो मैं सब सच सच बोल देता हूँ लोगों को वो पसंद नहीं आता, तो फिर मैं सोचता हूँ कि यार रहने दो यार क्यों? तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत लोग जब ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं तो उसमें सब कुछ सच नहीं होता? नहीं, वो तो क्या, वो ऑटोबायोग्राफी में आप जब, मतलब मैं अपनी बात करूँगा, मैं चाहूँगा कि मैं सब चीज़ें साफ साफ लिखूँ और कहूँ, लेकिन फिर कुछ चीज़ें आप नहीं बोल सकते उसमें, तो फिर वो एक स्ट्रगल होता है कि मैं फिर किस हद तक जाके मैं सच्चाई बोल सकता हूँ, किस हद तक मैं साफ साफ बोल सकता हूँ, लोगों के जज्बात इसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो सब चीज़ें जब मैं सोचता हूँ फिर मैं सोचता हूँ कि यार मन में ही रहने दो अपनी बात। You know what you have to realize about biographies is that no one person in this world is viewed in exactly the same by the people around him. अगर आप मेरे पे कहानी लिखेंगे आपका एक नजरिया होगा, आप लिखेंगे आपका नजरिया दूसरा होगा, आप लिखेंगे आपका तो तीसरा बहुत ही अलग नजरिया होगा। So you have to give the person who's writing it and making it, you have to give him that much respect and regard कि यार ये मेरा नजरिया है, आप उससे agree करो नहीं करो अलग बात है, but I see you in this manner and that is how I can tell the story about you, about any character. So I would not call that whitewashing, or in the case of suppose I feel that you're not a very nice person and I show you in bad light, that is the way I'm seeing. But you would agree there should be a distance from the source about whom you are writing or making the film? No, there are no there such rules. No, there are no rules. Objectivity. But everything matter. Is influence. How will you remove influence from it? But I mean, objectivity bahut matter nahi karti. Objectivity. Even if it's your own view, but. No, but what is wrong with a subjective view? I'm asking. Yeah, suppose I'm making a subjective view. भैया मैं objective नहीं हो रहा हूँ, मैं emotional हो रहा हूँ, मैं अपने बच्चे पे कहानी लिख रहा हूँ, मैं emotional होके लिखूंगा, मैं क्यों objective रहूँ मेरे बच्चे के बारे में? वो मैं कर रहा हूँ. Last question. You understand? So there are no rules. You can be objective, you can be subjective. It's up to you. It's up to the filmmaker. When you make a biography, you will decide how you want to make it. Yeah. You know what I mean? I mean, it's like a wonderful reunion for you and Anjum, because you almost came very close to do Salute, which didn't turn out, and I think it's written in the film. Anjum and I go back a long way. Right. For the latest project that yeah. came very close. I think Shah Rukh recently said also that because you were so consumed with some other project that you couldn't really. Yeah, I think it's a great script. Salute is a wonderful script, and I'm a huge fan of Rakesh, and it's a wonderful story, and I feel sad that I was not able to do it, and which is why actually I called up Shah Rukh and said it's a wonderful story and you should hear it, and I'm so happy that he's liked it and he's doing it. So you know, all my very best wishes for the project. February is what I have been told that it will be on the floor. Yes, I have been very excited because like Amir, even I have been a big fan of Rakesh, and now he is a good friend also. And yeah, frankly speaking, I was very keen that Amir would do it, and Amir at that moment liked it. We discussed it a lot. We had a lot of sort of hopes for it. But unfortunately, the larger sort of project of Mahabharat, which he was concerned about. एक सवाल कि आई एम आल्सो वर्ल्ड की मंगल मिशन मंगल आ रही है, हालांकि सब्जेक्ट अलग है सैल्यूट का और अक्षय कुमार की फिल्म का, लेकिन सिमिलर काइंड ऑफ स्पेस में फिल्म है, आर यू वरीड अबाउट दैट? नो नो, नॉट एट ऑल. Space being yeah, this is about the story of a person. That person is different from whoever character they will conceive of. So that doesn't matter. I mean, that way there are 20 films on crime simultaneously, on Dakus, on you know, different people. So that doesn't matter. No, I'm not worried at all. Thank you. आपको मिस कर रहा हूँ मैं.
पब्लिकली बोला नहीं ना।